कोरोना वैक्सीनेशन पर सीरम इंस्टीट्यूट का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले दो महीने 50% वैक्सीन भारत सरकार को देंगे, 50% वैक्सीन राज्यों को, 50 अस्पतालों को दी जाएगी। तो कवायद बस इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके, और इसी को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय किए। राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 रुपए में दिए जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों को एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीरम इंस्टीट्यूट का ये अहम फैसला। अगले दो महीने की बात की जाए तो दो महीने 50% वैक्सीन भारत सरकार को दी जाएगी, ये बयान में कहा गया है, और 50% वैक्सीन राज्यों को और 50 अस्पतालों को दी जाएगी, जिससे कि जो कवायद है, जो कोशिश है, वो यहाँ से पूरी हो सके, हर किसी तक वैक्सीन की जो डोज है वो पहुंचाई जा सके। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम यहां पर तय कर दिए, क्योंकि दाम को लेकर भी असमंजस की स्थिति से पहले भी तमाम शिकायतें भी मिलती रही हैं, क्योंकि कालाबाजारी भी इसको लेकर देखी जाती है। लेकिन अब जो दाम तय कर दिए गए हैं उसको लेकर राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 में देंगे। देखिए, प्राइवेट अस्पतालों को एक डोज दी जाएगी 600 रुपए में। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीरम इंस्टीट्यूट का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, और अगले दो महीने में 50% वैक्सीन भारत सरकार को दी जाएगी और 50% वैक्सीन राज्यों को, 50 अस्पतालों को देंगे। तो कोरोना से जंग में वैक्सीन एक संजीवनी का काम करती है, और कोशिश लगातार यही है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको और सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है, और इसी कवायद में सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एक पहल की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने दामों में बदलाव किया है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आईसीएमआर की स्टडी में बड़ा दावा किया गया है, कोविड के अलग वेरिएंट के खत्म करने में सक्षम है कोवैक्सीन, दावा किया गया है। कोरोना स्ट्रेन के डबल म्यूटेंट को भी मार देती है कोवैक्सीन। आईसीएमआर का ये दावा कि कोवैक्सीन कितनी कारगर साबित हो रही है इस नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए, आईसीएमआर की स्टडी में ये बड़ा दावा हुआ है, कोविड के अलग वेरिएंट को खत्म करने में सक्षम है कोवैक्सीन। तो अब कवायद इस बात की होगी, कोशिश इस बात की होगी कि कोवैक्सीन, क्योंकि सक्षम है, जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, कोरोना स्ट्रेन के डबल म्यूटेंट को भी वैक्सीन मार सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोवैक्सीन दी जाए, इसके लिए भी अब आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी। लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात करें, चाहे वो मंथन करें, चाहे वो जब भी बैठक कर रहे हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और अब ये बड़ा दावा आईसीएमआर की ओर से कि कोरोना के स्ट्रेन के डबल म्यूटेंट को भी ये कोवैक्सीन मार करने में सक्षम है। तो ये बहुत अहम जानकारी, आईसीएमआर की स्टडी में ये जो बड़ा दावा हुआ है कि कोविड के अलग वेरिएंट को भी खत्म करने में सक्षम है कोवैक्सीन। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और अहम खबर, सरकार पर हमले में प्रियंका गांधी के दावे निकले गलत, मेडिकल ऑक्सीजन के निर्यात पर गलत फहमी फैलाई गई, सूत्रों के हवाले से जानकारी। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन बताया गया, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। 2020 से 21 के बीच सिर्फ महज 20 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात हुआ है, ये सूत्र बता रहे हैं। देश के उत्पादन का सिर्फ 0.4% ही निर्यात हो रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से दावा किया गया था प्रियंका गांधी की ओर से, वो दावा यहां से गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है वो जी हिंदुस्तान आपको बता रहा है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी का वो दावा जो किया गया था वो फेल हुआ है। देश के उत्पादन का सिर्फ 0.4% ही निर्यात हुआ है। और हर्षा का रुख कर लेते, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। हर्षा, आपका रुख करेंगे। देखिए, लगातार अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो वो हमलावर हो रही है और केंद्र सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर या निर्यात को लेकर जिस तरह के दावे प्रियंका गांधी ने किए, अब वो गलत साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। अब जितने विपक्ष के लीडर्स है वो उतर गए, हालांकि सिरम की बात की जाए तो लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन देश में जो हालात है प्रिया वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अस्पतालों के हालात बिल्कुल ठीक नहीं। और देखिए, LNGP अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस इस वक्त LNGP अस्पताल के बाहर खड़ी है, इसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि LNGP अस्पताल के बोर्ड में ये दिखा दिया गया है कि पेशेंट की संख्या 1500, बेड्स की संख्या 1500 पूरी फुल हो चुकी है, निल है, अभी किसी को भी अंदर एडमिट नहीं
नहीं किया जा सकता। ये स्थिति है फिलहाल LNJP अस्पताल की, दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की। और देखिए लोगों का बाहर तांता भी लगा हुआ है, अच्छे खासे लोग आपको यहाँ पे खड़े नजर आएंगे। हर कोई परिजन परेशान है अपने अंदर मरीज का जानकारी लेने के लिए कि आखिरकार परेशानी क्या, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। कुछ को बात कराई जा रही, कुछ बात नहीं कर पा रहे, लेकिन परेशानी लोगों को बेहद ज़्यादा है। मैम आपके साथ क्या समस्या हो रही है? मैम मेरे पेशेंट है रमा शंकर है, जो सर्जिकल वार्ड में 3B में एडमिट है। उनको एक हफ्ता एडमिट हुए हो गया, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। उनको क्या हुआ है, कैसे है, उनकी रिपोर्ट्स क्या है? कल से वो बाथरूम में कई बार गिर चुके हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। आज वो इतने ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, 3 दिन से खाना छोड़ने के बाद उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार के फेंक दिया है। अब वो सुसाइड करना चाह रहे हैं और मैं भी उनकी ऑक्सीजन। आपने डॉक्टर से डिमांड की, CMO से डिमांड की कि आप PPE किट पहन के अंदर जाएं, देख करके आएं, आप थोड़ा हौसला दें? सब कुछ किया मैम, मैंने हाथ भी जोड़े, लेकिन कुछ अलाउ नहीं है मैम। मुझे बाहर निकाल दिया गया है कि आप बाहर जाइए, बस दरवाजे बंद हैं, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। मैंने अभी कॉल करी, मुझे कुछ नहीं बता रहे मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। और देखिए ये दिल्ली के LNJP अस्पताल का बाहर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे अस्पताल के डॉक्टर्स PPE किट पहन करके तैनात हैं। और देखिए यहाँ पे बाकायदा जो लोग वैलिड हैं, जिनको अंदर जाना अलाउड है, उन्हीं को फिलहाल अलाउड है अंदर जाना, लेकिन उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं अंदर जाने को। ये इस इंश्योर करने के लिए खड़े हैं क्योंकि दिल्ली में देखिए अब बेड्स बचे नहीं हैं, LNJP अस्पताल में बेड्स बचे नहीं हैं। ये स्थिति LNJP अस्पतालों की। सर आप लोग के अभी अस्पताल के अंदर की स्थिति क्या है, क्योंकि कई मरीजों की कंप्लेन है कि कोई अंदर ध्यान नहीं दे रहा है, पेशेंट पर कोई जा नहीं रहा है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, स्थिति बुरी है, मास्क उतार दे रहे हैं, एक एक बेड पे 3-3 लोग हैं, ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है लगातार। मैडम पेशेंट्स के अटेंडेंट होते हैं ना, उनकी संतुष्टि कभी नहीं हो सकती किसी तरीके से भी। डॉक्टर जो अपना काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बेड्स खत्म हो चुके हैं अंदर, अभी कोई अलाउड नहीं कोई एम्बुलेंस, क्योंकि बाहर देखिए सर 3-3 4-4 एम्बुलेंसेज लाइन से खड़ी है, कतार से खड़ी है, हम देख रहे हैं। अब अलाउड नहीं, आप लोग कहीं और रेफर कर रहे हैं? मैम हमारे पास बेड बिल्कुल नहीं है, जहाँ तक कि अंदर बहुत पेशेंट हो रहे हैं, बेड नहीं है हमारे पास, बेड नहीं है। नहीं हर्षा इनसे ये भी पूछिए कि क्या प्रक्रिया है, अगर कहाँ जाने की, अगर मरीज के परिजन उनका हालचाल जानना चाहें। हर्षा बोलते हैं जिसका मैं बता था कि वहाँ पे बेड है, हम वहीं भेजें रेफर के लिए। जी बिल्कुल प्रिया, मैं सवाल ले लेती हूँ। अगर सर कोई परिजन अपने मरीज का हालचाल लेना चाहता है जो अस्पताल के अंदर एडमिट है, तो कैसे हालचाल लिया जाए? मैं हमारे यहाँ पे हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क से सब कुछ आपको पूरी बोलिए यार हेल्प डेस्क से पूरे अपने पेशेंट की पूरी जानकारी मिल जाती है आपको। अच्छा हर तरह की। तो क्या आप लोग फोन पे बात करवाते हैं, वीडियो कॉल करवाते हैं? सब कुछ कराते हैं मैम, वीडियो कॉलिंग भी होती है, फोन पे बात भी होती है, सब कुछ होता है, खाना भी जाता है, जो पेशेंट के घर से खाना आता है खाना भी जाता है हमारे यहाँ से। लेकिन जो अंदर से खबरें निकल के आ रही हैं, जो अंदर के वीडियोस आ रहे हैं, वो बेहद दिल दहलाने वाले हैं सर, उस पर तो आप लोग को टिप्पणी करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं करूंगा ना, मुझे इस बारे में कुछ पता। जब बात आती है कि अंदर की जो स्थिति है उस पर कुछ कहिए, तो लोग कह देते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स कह देते हैं कि उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तस्वीरें आपको LNJP के बाहर की दिखा देते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोग यहाँ पे डॉक्टर्स इसलिए डिप्लॉय किए गए हैं बताने के लिए एम्बुलेंसेज को कि यहाँ पे अब जगह नहीं बची है, आप किसी दूसरे अस्पताल जाइए। ये एक एम्बुलेंस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे दो और एम्बुलेंस लाइन से खड़ी है, और चूँकि बेड नहीं बचे हैं, पेशेंट्स को अब ले नहीं रहे हैं, इसीलिए एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। इससे पहले भी यहाँ पे जमावड़ा था एम्बुलेंसेज का, कुछ को RML भेज दिया गया, कुछ को GTP भी भेज दिया गया। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, यानी कि बेड्स की कमी दिल्ली में साफ। ठीक है हर्षा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 2,25,000 की रकम भी बरामद हुई है, और 2,25,000 की कीमत के इंजेक्शन का स्टॉक इन लोगों के पास से मिला है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अब काला बाजारी भी इन दवाइयों की, जो बेहद जरूरी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं कोरोना से निपटने के लिए, इसके इलाज के लिए, अब उनकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। और इस कालाबाजारी को रोकना भी अब राज्य सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही, पाबंदियों पर आज गाइडलाइंस जारी होंगी, महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और पहले जानकारी ये मिल रही थी कि हो सकता है कि महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया जाए, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है
उसके मुताबिक सख्त गाइडलाइंस होंगी। पाबंदियों पर आज गाइडलाइंस जारी होने वाली है। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन होने की संभावना अब कम लग रही है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें विकल्प इससे पहले सरकार ने जो संकेत दिए वो ये कहा गया कि विकल्प कोई और नहीं है, लेकिन यहां पर बार बार ये सवाल भी उठता है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो फिर मजदूरों का क्या कुछ होगा। तो अब लॉकडाउन यहां पर नहीं लगाया जाएगा। हर्षा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा देखिए अब यहां पर लॉकडाउन की बात सामने आ रही है, महाराष्ट्र की हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली से भी बड़ी संख्या में मजदूरों, क्योंकि परेशानी मजदूरों की ही महाराष्ट्र में भी है, जिसको लेकर लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया जा रहा है। यहां पर भी मजदूरों की स्थिति खराब है। अब यहां पर कैसे पलायन को रोका जाएगा, क्या तस्वीर वहां से हर्षा? देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो देखिए पलायन रुक नहीं रहा है। वहाँ से दो दिन जो हम लोगों ने आनंद विहार से तस्वीरें देखी हैं, जन सैलाब एक तरह से देखा हम लोगों ने मजदूरों का, सिस्टम यानी कि दिल्ली सरकार भरोसा दिलाने में कामयाबी नहीं हो पाई मजदूरों को कि हम 6 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लॉकडाउन नहीं करेंगे, आप लोग रुक जाइए। जितने मजदूर वर्ग के लोग थे, यकीन मानिए चाहे नोएडा से चाहे दिल्ली से, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र के फैक्ट्री में काम करने वाले, कारपेंटर, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो ड्राइवर, दिहाड़ी मजदूर, सब कोई, हर कोई सिर्फ अपने घर निकला है। आप देखिए आनंद विहार से जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अरविंद केजरीवाल के, उस दिन रात की तस्वीरें हमने दिखाई थी, कदम रखने की जगह नहीं थी आनंद विहार के 5 किलोमीटर तक की पेरीफेरी में, लोग दूर दूर से पैदल चलकर सिर्फ आ रहे थे आनंद विहार सिर्फ घर जाने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते कि महाराष्ट्र में भी पलायन क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि 15 दिन का लॉकडाउन नहीं है। हो सकता है कि 15 दिन में अगर मामले ठीक नहीं हुए या मामले कम नहीं हुए तो महाराष्ट्र सरकार हो सकता है लॉकडाउन और बढ़ा दे, और हो सकता है दिल्ली में भी जिस तरह से करीब करीब 3 लाख तक मामले पहुंच गए हैं, हो सकता है कि पूर्ण लॉकडाउन यहाँ पे भी बढ़ जाए किसी भी वक्त। ऐसे में लोगों को बेहतर लगता है कि इससे अच्छा पलायन कर लिया जाए, क्योंकि पिछले साल की तस्वीर मंजर हम सब ने देखा है, किस तरह से लोग पैदल जा रहे थे अपने घरों की तरफ। लोगों का कहना था कि महामारी हमें नहीं मारेगी, हमको तो भुखमरी मार देगी, क्योंकि खाने पीने का कोई इंतजाम सिस्टम द्वारा, सरकार द्वारा मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से कभी नहीं किया जाता है, और जो किया जाता है वो नाकाफी होता है, क्योंकि मजदूरों की संख्या बेहद ज्यादा है। ऐसे में मकान मालिक को रेंट भी देना है, किराया भी देना है, मकान मालिक किराया छोड़ता नहीं है, कमाई कुछ है नहीं, आखिरकार लोग रहे तो दिल्ली में किस आस रहे कि सरकार उनके लिए क्या करेगी। ये परेशानी सबसे बड़ी है, और अगर दिल्ली सरकार, प्रशासनिक लोग इन तमाम परेशानियों को लुकआउट करें तो शायद मजदूर पलायन ना करें। और मालिका ये समझना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि मजदूर वर्ग वो वर्ग है जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से दिल्ली काम करने आता है, इनके भरोसे हमारा जीवन चलता है। ये ना हो तो रिक्शा कौन चलाएगा, ये ना हो तो घर के बाहर सब्जी कौन लाएगा, ये ना हो तो घर के छोटे छोटे काम कौन करेगा, और अगर इन्हीं के लिए सरकार सोचेगी नहीं तो यकीन मानिए हमारा जीवन भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और मजदूरों के बीच ये डर भी है कि कहीं उनको उनके हाल पर ना छोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने भी बताया कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें हमारे जहन में आज भी जिंदा है, भुलाई नहीं भूली जा सकती कि मीलों तक परिवार अपने बच्चों के साथ चलते अपना सफर तय कर रहे थे, और आज भी इस पर कोई ठोस तरह से विश्वास सरकारें नहीं दिला पा रही है। एक और बड़ी खबर है वो आपको बता दें, नासिक में ऑक्सीजन लीकेज से हड़कंप मच गया है, और तस्वीरें देखिए सबसे पहले जी हिंदुस्तान की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, गैस लीकेज की खबर सामने आ रही है और तस्वीरें आप देखिए। देखिए तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन जिसकी किल्लत पूरे देश में देखी जा रही है और यहां पर ऑक्सीजन लीकेज हुआ है। ये देखिए तस्वीरें बेहद खौफनाक है, क्योंकि लगातार पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि कैसे ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है और लोग कैसे मरने को मजबूर हैं। और एक तरफ देखिए लीकेज की ये तस्वीरें सामने आई हैं, और ये तस्वीरें जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है, फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया गया है। इस पर और जानकारी का भी इंतजार करना होगा कि किस तरह से ये लीकेज हुआ, ये किसकी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक तरफ पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की लीकेज की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ऑक्सीजन की लीकेज किस तरह से वहां पर हुई है, और अब दमकल कर्मियों को भी बुलाया गया है स्थिति पर काबू पाने के लिए। पूरे इलाके में ऑक्सीजन लीकेज हो रही है, ऑक्सीजन फैल रहा है, ऑक्सीजन गैस का रिसाव यहां पर देखिए किस तरह से हो रहा है, लेकिन क्या कारण है, किस वजह से ये हुआ, उसका
इंतजार करना होगा, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ऑक्सीजन लीकेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। आपको नजर आ जाएगा तस्वीरों में कि किस तरीके से जब एक बार के लिए ऑक्सीजन लीकेज यहां पर देखने को मिला तो अफरा तफरी का माहौल भी हुआ और जल्द से जल्द ये कोशिश की गई कि फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, सूचित किया जाए और फिर दमकल कर्मी यहां मौके पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन लीकेज होता है और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और फिर दमकल कर्मी यहां पर पहुंचते हैं, जद्दोजहद करते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत के बीच देखिए ये बड़ी खबर, बेहद हैरान कर देने वाली ये खबर कि किस तरह से देखिए ऑक्सीजन लीकेज। नासिक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नासिक से ये बड़ी खबर आ रही है, ऑक्सीजन लीकेज हुआ है यहाँ पर और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को आप देखकर समझिए कि किस तरह से लीकेज हुआ है। पूरे इलाके में, आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया है। हालांकि दमकल कर्मियों को बुला लिया गया है स्थिति को काबू में करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन लीकेज की वजह से हड़कंप मचता आपको नजर आ रहा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। तो देखिए अलग अलग राज्यों और शहरों से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है, जी हिंदुस्तान इसी तरह लगातार आप तक पहुंचा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।